अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो ये कल मैंने आलू चिली बनाई थी, वो बच गए थे। कल अफ्तारी भी ज़्यादा हो गई थी और तीन चार घर से अफ्तारी भी आ गई थी। और ये वटाना का सीज़न चल ही रहा है तो मेरे पास वटाने थे, तो मैं आलूओं को मैश करके इसके साथ इसको मिक्स कर लूँगी। तो इसके मैं समोसे बना रही हूँ। और जैसे समोसे के लिए मैदे का डो तैयार करते हैं, मैंने उसी तरह इसमें अजवाइन, जीरा और कलौंजी डालकर, नमक, तेल डालकर इसको गूंद ली हूँ। और फिर हम इसकी ऐसी छोटी सी रोटी बना लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ समोसे। तो ये इस तरह से रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे और इसके बाद हम इसकी साइड्स पे पानी लगा लेंगे और इधर हाफ हाफ साइड में बीच में से पानी लगा लेंगे। ये इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब इसके अंदर हम फिलिंग फिल कर देंगे। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। तो ये बहुत कोशिशों के बाद मेरे हाथों से समोसे तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे बना लूँगी। तो ये बन चुका है बचे हुए चिल्ली आलू के समोसे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। तो इस ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये यूज़ टू भी हो गई, बचे हुए आलूओं को हमने रीयूज़ कर लिए। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं एक बार। इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। तो जिन्होंने मेरी वीडियोज़ नहीं देखे हैं चिल्ली वाले आलू, तो वो जाकर वीडियो देखें। इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी पसंद आएंगे, तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।